डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 का सम करेंगे। सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स, जब हम इनका क्यूब रूट निकालने की प्रयास करेंगे तो इनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा, तो हमें ये बताना है कि इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट का करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर करो। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करना है। 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। 243 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये ट्रिपलेट फॉर्म में आ गया, ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 टाइम और 3 हो तो 1 टाइम 3 कैसे आएगा, इस नंबर को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ लिखेंगे हियर वी सी 3 प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट फॉर्म, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू हंड्रेड फोर्टी थ्री बाई थ्री टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एक 3 और आ जाएगा और ये ट्रिपलेट फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड पार्ट, टू फिफ्टी सिक्स, टू से 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा और फिर 2 से 2 1 जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रिपलेट फॉर्म में हो गया, ये ट्रिपलेट में हो गया, लेकिन ये ट्रिपलेट में नहीं है। 256 इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। हियर वी सी प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट फॉर्म, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू फिफ्टी सिक्स बाई टू टू गेट ए
परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें 256 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, सेवेंटी टू, टू से डिविजिबल है, टू थ्री जा टू सिक्स जा, फिर टू से टू वन जा टू एट जा, फिर टू से टू नाइन जा, फिर थ्री से थ्री थ्री जा, फिर थ्री से थ्री वन जा। सेवेंटी टू इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये ट्रिपलेट फॉर्म में है लेकिन ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है। 72 इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हियर वी सी प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट इन ए ट्रिपलेट फॉर्म, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड 72 बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। इसको अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह एक 3 और आ जाएगा और ये ट्रिपलेट फॉर्म में हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 675। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है तो 3 से करना है। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5। 675 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये ट्रिपलेट फॉर्म में है लेकिन ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है। 675 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो लिखेंगे हियर वी सी प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट फॉर्म, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड 675 बाई 5 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिफ्थ पार्ट, 1000 2 5 जा 2 0 2 0, फिर 2 से 2 2 जा 2 5 जा 2 0, फिर 2 से 2 1 जा और 2 2 जा 2 5 जा। अब नहीं सॉरी 100 है ये, 1000 नहीं है स्टूडेंट्स, 100 है ये। हंड्रेड को जब 2 से किया तो 50 को 2 से किया 25, अब 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 5 बन जा। अब
100 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 5 × 5, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, यहाँ एक 2 चाहिए और यहाँ एक 5 चाहिए, 2 × 2 × 5 तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, हियर वी सी, दोबारा लिख देता हूँ, हियर वी सी प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 आर नॉट इन ए ट्रिपलेट फॉर्म, ये दोनों ही ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड वन हंड्रेड बाई 2 × 5 = 10 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, इट मीन्स इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो अपना सेकेंड सम कंप्लीट हो गया, थर्ड सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।